शाम को वसूली के दौरान जा रहा था अलसद होटल पे। कौन सा टाइम था सर? तकरीबन 10:30 इस टाइम था। तो मैं जैसे ही जा रहा था तो वहाँ पे 15 वाले नौजवान वहाँ पे ड्यूटी कर रहे थे, तकरीबन 6 एलकार थे ठहरे हुए। तो उन्होंने मुझे हाथ दिया, तो मैं जैसे ही ठहर गया तो उन्होंने कहा कागज़ किधर है? मैंने कहा कागज़ तो मेरे घर पड़े हुए हैं, अगर आप कहेंगे तो मैं कागज़ भी मंगवा लूँ। उसने कहा कि गाड़ी आप चला रहेंगे, कागज़ किसी और से लाजमी। मैंने कहा घर पड़ा हुआ है तो कोई घर से लेके आएगा, आप मुझे नहीं छोड़ेंगे, मैं कागज़ जाके लेके आऊँ। तो उन्होंने कहा कि आप शहीद हो जाएँ। तो मैं जैसे शहीद हो गया तो उन्होंने कहा कार्ड किधर है? मैंने कार्ड उनको निकाल सीआरसी कार्ड का निकाल के दिया। तो वो कार्ड ही चेक कर रहे थे, अचानक कॉल आ गया। मैं कॉल पे बात कर रहा था, कॉल पे बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि मैंने उसने कहा कि नाम क्या है? मैंने कहा सीएनआईसी पर नाम लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो उन्होंने ऐसे कहा, उसने कहा आप बदतमीजी, ऐसे ऐसे बोलते ही उन्होंने थप्पड़े उस बरसा दी, एक थप्पड़ दो तीन थप्पड़। तो मैंने सोचा कि अभी इनका वर्दी है, तो मैं वर्दी में तो उनको धक्का वगैरह नहीं दे सकता था, वर्दी का तो मैं लाजमी इज्जत करता। मैंने अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वाइस साहब डीएम के साथ दिलमराद उमरानी करता फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वक्त हम मौजूद हूँ गंदाखा बस अड्डा और अलियाबाद रोड पर। जो आज मेरे साथ मौजूद हैं सोशल एक्टिविस्ट हैं मनसब अली उमरानी साहब। बताना चाहूँगा कि मनसब अली साहब एक बेहतरीन सोशल एक्टिविस्ट हैं जो गरीब और मजलूम की आवाज़ बनते हैं, हर वक्त हम इसको देखते हैं। और हाँ ये भी बताना चाहूँगा कि मनसब अली उमरानी साहब जो एक बर्फ़ का डिपू है सर, अपना रोज़ी रोटी करके अपना घर का गुजर बसर करता है अपना, कि कल यहाँ पे जब सुबह के टाइम ये अपना रोज़ी करता है तो बर्फ़ें बेचता है, तो शाम के टाइम वहाँ से उगाड़ी करता है, वहाँ से रिसीविंग करता है। तो शाम के टाइम जा रहे थे तो इकल स्क्वाड के नौजवान वहाँ पे ड्यूटी पे मामूर थे, ठहरे हुए थे, जिनको वहाँ उनके साथ तशद्दुद किया गया है। तो हमने सोशल मीडिया के ज़रिए हमें पता चला तो हम यहाँ पे पहुँच गए। तो आइए सर मनसब भाई से ये कल जो वाक़े के हवाले से मज़ीद उनसे पूछते हैं कि ये क्या हुआ है, कैसे हुआ है। तो हमारे साथ रहिए सर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम सर। सर बहुत शुक्रिया मनसब भाई, आपने हमें वक्त दिया। सर हमारे नाज़रीन को थोड़ा बताएं कि कल क्या जो ईगल स्क्वाड के नौजवानों ने आपके कह रहे हैं थप्पड़े मारी हैं, क्या कैसे हुआ सर? सर ऐसे हुआ है कि आपको पता है कि मैं एक कारोबारी भी हूँ, सोशल वर्कर भी हूँ, कारोबारी मैं अपना रोज़ी का रिज़िक रोज़ी करता हूँ हिलाल का कमा के। और अक्सर मैं होलसेल भी बर्फ़ का करता हूँ, मैं होटल वालों को बर्फ़ देता हूँ। तो मैं शाम को वसूली के दौरान जा रहा था अलसद होटल पे। कौन सा टाइम था सर? तकरीबन 10:30 इस टाइम था। तो मैं जैसे ही जा रहा था तो वहाँ पे 15 वाले नौजवान वहाँ पे ड्यूटी कर रहे थे, तकरीबन 6 एलकार थे। तो 6 वालों ने 6 सर आप जारी रखें, 6 एक ही जगह पे ठहरे हुए थे? जी 6 एक ही जगह पे ठहरे थे, 3 मोटरसाइकिल थे। तो 6 ठहरे हुए, तो उन्होंने मुझे हाथ दिया। तो मैं जैसे ही ठहर गया तो उन्होंने कहा कागज़ किधर है? मैंने कहा कागज़ तो मेरे घर पड़े हुए हैं, अगर आप कहेंगे तो मैं कागज़ भी मंगवा लूँ। उसने कहा कि गाड़ी आप चला रहेंगे, कागज़ किसी और से लाजमी। मैंने कहा घर पड़ा हुआ है तो कोई घर से लेके आएगा, आप मुझे नहीं छोड़ेंगे, मैं कागज़ जाके लेके आऊँ। तो उन्होंने कहा कि आप शहीद हो जाएँ। तो मैं जैसे शहीद हो गया तो उन्होंने कहा कार्ड किधर है? मैंने कार्ड उनको निकाल सीआरसी कार्ड का निकाल के दिया। तो वो कार्ड ही चेक कर रहे थे, अचानक कॉल आ गया। मैं कॉल पे बात कर रहा था, कॉल पे बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि मैंने उसने कहा कि नाम क्या है? मैंने कहा सीएनआईसी पर नाम लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो उन्होंने ऐसे कहा, उसने कहा आप बदतमीजी, ऐसे ऐसे बोलते ही उन्होंने थप्पड़े उस बरसा दी, एक थप्पड़ दो तीन थप्पड़। तो मैंने सोचा कि अभी इनका वर्दी है, तो मैं वर्दी में तो उनको धक्का वगैरह नहीं दे सकता था, वर्दी का तो मैं लाजमी इज्जत करता, मैंने वर्दी का इज्जत किया, मैंने उनका ख्याल। आप भी मोहब वतन है, हमने देखे हैं कि पुलिस के लिए इंतजामिया के लिए आपने पाक अफवाज के लिए रैलियाँ निकाली हैं, हमने देखे हैं। जी सर बिल्कुल सर, मैं पाकिस्तान पेट्रियाटिक यूथ से ताल्लुक़ रखता हूँ। पाकिस्तान पेट्रियाटिक यूथ का यही है असल, हमारा प्लेटफार्म यही है कि अफवाज पाकिस्तान के साथ साथ पाकिस्तान पुलिस और बलूचिस्तान पुलिस के हम उनके भी हिमायती हैं, और उन शहीदों को हमने हमेशा उन शहीदों के लिए रैलियां निकाले हैं, और इनका जो अच्छा काम होता है हम उसको भी सराहते हैं। तो सर इन्होंने बस नाजायजी किया और वहाँ से थप्पड़े लगाए, फिर उसने कहा आप एक बदतमीज़ हो, आप ना कागज़ भी नहीं है, आप चलो मेरे साथ थाने। जैसे मैं थाने वहाँ पर गया तो जैसे थाने पहुंचा तो मुंशी ने कहा कि क्या मसला है, क्यों बदतमीजी की? मैंने कहा मैंने सर कोई बदतमीजी तो नहीं की। तो वहाँ पे उस एहलकार ने जो वहाँ पे अल्फाज हमारे ज़बान जो भी हुए बातें हुए थे वो उनको चेंज करके बता रहा था, कह रहा था उसने मेरे वर्दी में हाथ डाला, उसने मुझसे मुँह मारी की, उसने मेरे असले को इधर किया, ऐसे किया। तो मैंने उसको कहा कि आप कुरान पर हाथ रख के कहें कि मैंने ये किया तो मैं अपने ऊपर जो ना खुद एफ आई आर कटवा के मैं जाके खोली में बैठ जाता हूँ। तो उसके बावजूद मैंने फिर मैंने अपने किसी को बताया भी नहीं, मैंने कहा तो शहर है मसला हल हो जाएंगे। तो फिर मेरे आपको पता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सदर जो वज़ीर उमरान साहब के ज़िला सदर, वो उसने भी रब्ता किया, उसने कहा कि मैं थाने में मौजूद हूँ, आप आए थाने में। वहाँ पे गया तो जो इंचार्ज है ये हाजी खान ने कहा कि वज़ीर मैं क्वेटा हूँ, जैसे मैं आऊँगा इंशाल्लाह मैं मसले को हल करूँगा। देखिए मसला का हल ये नहीं होता है कि आज मुझे थप्पड़े लगाया गया, कल किसी और शहरी गरीब को लगाया जाए। आपको पता है कि मंशियात के अड्डे सरेआम चल रहे हैं, अगर इनको पता नहीं है तो ये मुझे कहें कि मैं आपको निशाना अभी बता दूं कहाँ कभी मंशियात के अड्डे चल रहे हैं। आपको पता है कि फहाशी अड्डे सरेआम चल रहे हैं,
छोटे बच्चे को भी पता है कि मुंशियात कहाँ पे मिल रहा है, फांसी अड्डा कहाँ पे चल रहा है, आपको पता है। मैं आपके थ्रू इनको बताना चाहता हूँ कि ये जुआ के अड्डे, इनको सब पुलिस वालों को पता है, ये 15 वाले सरेआम वहाँ पे भत्ते लेते हैं। अब इंशाल्लाह अब हम इनको जाहिर करेंगे कहाँ कहाँ से भत्ते ले रहे हैं, अब हम इनको बताएंगे, हम भी उनको जो भी हम होंगे अब इन सोशल मीडिया पर इनको शो करेंगे इंशाल्लाह। ये भी बता रहे हैं कि जब ये ईगल स्क्वाड के 6 नौजवान थे ड्यूटी पे भी मामूर थे, आपको उठाया है, तो क्या वहाँ पे कोई साइन इनका नाम वगैरह लिखा हुआ था, आप उसको जानते हो? सर उनका कोई नाम वगैरह नहीं लिखा हुआ था। मैंने उस भाई से नाम भी पूछा, मैंने कहा यार आप ऐसे थप्पड़े मार रहे हो, आप अपना नाम तो बताएं, आप अपना तारुफ तो करें। उसने कहा कि आप DIG हो कोई SSP हो कि मैं आपको नाम बताऊँ, आप चलो मेरे साथ थाने। तो मैं आपके थ्रू सोशल मीडिया पर जो मेरे भाई हैं सोशल वर्कर डेरा मुराद जमाली के, मैं उनका तहे दिल से मशकूर हूँ, उन्होंने मेरे लिए आवाज़ उठाया है। और PSA वाले जो उन्होंने भी मुझे कॉल किया है, और काफ़ी सोशल वर्कर MQM वालों ने मुझे रब्ता किया है। ये मसला ऐसे है कि आज मेरे साथ हुआ है, कल किसी और गरीब के साथ ना हो। सर यहाँ पे ये मनसबा ये भी बताना है कि जब आप वहाँ पे लेकर जाएं, करें कि हवालात में भी लेकर जाए, कहा कि सामान क्या क्या है, सामान क्या क्या है, तो मैंने ऐसे ही यानी कि आपको पता है कारोबार हमारा ये 10-20 रुपए वाला है, 10-20-30। तो मैंने जैसे ही मैं पहुंचा तो मैंने सारे ऐसे पैसे ऐसे उठा के उसके आगे रख दी। मैंने कहा ये लो, ये आइस के पुड़ी हैं, ये अफीम है, ये चर्स है, आप मेरे ऊपर FIR करें। मुंशी ने कहा आप बहुत बदतमीज़ हो, आप तमीज़ से बात करें। मैंने कहा कैसे तमीज़ से बात करूँ, जब बेगुनाह आप लोग थप्पड़े मारेंगे, बेगुनाह वहाँ से लेके आए। मैंने उनको ऐसे भी कहा कि अगर आप लोगों को शक है या मोटरसाइकिल ठहर यहाँ पर रखें, मैं कागज़ लेके आता हूँ। जब उसने कहा कि मैंने कहा अगर आप छोड़ो मोबाइल दो मैं कॉल करूँ, उन्होंने मुझसे मोबाइल भी छीन लिया और मुझे मोबाइल बार बार मैंने उनको कहा मोबाइल दो मैं कॉल करूँ, किसी को कहूँ कि कागज़ लेके। उसने कहा कि अभी थाने में सब मसला होगा। और मैंने कहा थाना तो वैसे ही मसला नहीं है, वहाँ पे सब भाई जानते हैं और पुलिस वाले भाई हैं। उन्होंने जैसे देखा, उन्होंने कहा मतलब खैर तो है, क्यों आए? मैंने कहा बस जानबूझ के यहाँ पे भाई ने गाली दी है, पता नहीं क्या दुश्मनी था। सर भाई यहाँ पे जो आप क्या कहेंगे? इंशाल्लाह सर अगर मामू ने मुझे कहा है रबते में, मामू ने कहा मसला इंशाल्लाह होगा, अगर मसला नहीं हुआ तो मैं इस एहलकार के खिलाफ मैं SSP को लेटर भी दूंगा, इंशाल्लाह उसके खिलाफ कार्रवाई करें। ऐसे आज मुझे थप्पड़ लगाए गए हैं, कल किसी और को लगाया जाएगा। असल जो इनका काम है वो काम ये करते नहीं हैं, बस शहरियों को तंग करना इनका रोज़ मामूल, इनका काम मामूल बन चुका है, उसको तंग करना, उनको तंग करना। तो इसलिए मैं DIG से, DIG नसीराबाद से अपील करता हूँ कि इनको, इन एहलकारों को थोड़ा समझाएं, उनको थोड़ा तमीज़ भी सिखाएं। वर्दी का तो ख्याल करें, वर्दी का कितना वो होता है, एहतराम होता है, वर्दी का ख्याल, तो जानबूझ के ये तंग करना ये सही बात नहीं है। बहुत शुक्रिया जी नाज़रीन, बिल्कुल हमारे साथ मौजूद हैं सोशल एक्टिविस्ट मनसब अली उमरानी साहब। बताना चाहूँगा ये मजलूमों की आवाज़ बन रहा था, तो हर जगह पर हमने देखे हैं कि उनकी आवाज़ बुलंद कर रहा था। जो कल गुज़िश्ता रात अपने जा रहा था पैसे लेने के लिए, वहाँ पर ईगल स्क्वाड के नौजवान ड्यूटी पे मामूर थे, इनको वहाँ पे ठहराया है, उनसे इनको तशद्दुद का निशाना बनाया, फिर इसके बाद थाना लेकर के वहाँ हवालात में बंद कर रहे थे। फिर इसके बाद दिखाने का मकसद मैं गुजारिश करूँगा ईगल स्क्वाड के इंचार्ज जनाब लाशारी साहब से और SHO अब्दुल्लाह साहब से, SP उस्ताद मोहम्मद से, कि खुदा इस बाबत नोट्स लिया जाए। और ये जो ईगल स्क्वाड के नौजवान ने इसको उठाया है, हमारे एक बेहतरीन दोस्त हैं, इनको उठाकर इनको तशद्दुद किया गया, इसके हवाले से तहकीकात की जाए। ये कौन सा है, क्या रंग रूट नए नौजवान है, ये कौन है, क्यों इस तरह किया गया? आज इसके साथ हुआ, कल दूसरे के साथ भी उस तरह हो सकता है। तो मैं यही गुजारिश करूंगा और हुकामी बाला को गुजारिश करूँ, खुदा इस बाबत नोट्स लिया जाए और इसे इंसाफ दिया जाए। मुझे और मनसब भाई को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए वाइस साहब डी मुस्तफा बलसान।